पठानकोट में आयोजित एक पूर्ण विरोध प्रदर्शन में अमीर उद्दीन जरगर, हलीम खान, सरपंच अपर पोथा के नेतृत्व में सुरनकोट की मीडिया बिरादरी, गांव पोथा के निवासी और नागरिक समाज के अन्य लोगों के साथ सैयद आकिब हुसैन वकील ने जानकारी दी कि उन्होंने उप न्यायाधीश न्यायालय सुरनकोट से संपर्क कर एसएचओ सुरनकोट के खिलाफ त्वरित संज्ञान और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी का खुलासा सुरनकोट में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में किया गया, जहां एसएचओ को सस्पेंड करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे गूंजे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साथ में एसएचओ सब इंस्पेक्टर राहुल अग्रवाल ने 10 तारीख की पूर्व संध्या पर स्थानीय सरपंच हलीम खान, पत्रकार आकाश मलिक, अंजुम हमदानी और अमीर उद्दीन जरगर, शाबिया कौसर और अन्य पारिवारिक निवासियों के साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया, बदनाम किया और जान से मारने की धमकी दी। मुहर्रम पर जब सुरनकोट के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस पार्टी को वाइन शॉप पोथा से अल्कोहल क्रेट सुधारने में शामिल देखा गया, जबकि स्थानीय लोग डिप्टी कमिश्नर के आश्वासन के बावजूद वाइन शॉप को जारी रखने के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे कि इसे बंद कर दिया जाएगा। यह मुहर्रम के 8वें दिन से पहले प्रदर्शनकारियों ने दागी एसएचओ और सब इंस्पेक्टर राहुल को तत्काल निलंबित करने की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार महमूद ख्वाजा ने भी इस अवसर पर बात की और एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी जनता ने एसएचओ तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा की, निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में सभी विवरण है। सुरनकोट से इश्तियाक चौधरी की रिपोर्ट। मैं प्रेसिडेंट प्रेस काउंसिल सुरनकोट अमीर दिन जरगर, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि गुज़श्ता 29 तारीख की बात है कि पोठा में शराब खाने के मकाम पर खवातीन ने शराब खाना को खाली किया। उसका कारण ये था कि 8 मुहर्रम की डेट दी गई थी इंतजामिया को, लेकिन लोगों ने इंतजार किया, जब 2 दिन उससे ऊपर हो गए तो मजबूरन उनको खाली करनी पड़ी। उसी दौरान वहां पे मैं भी मौजूद था, मीडिया के काफी हजरात मौजूद थे हमारे साथ, ये सरपंच हैं वहां के, मकामी सरपंच ये वहां पे मौजूद थे, ये खवातीन वहां पे मौजूद थी। एसएचओ सुरनकोट जब वहां पहुंचा तो उसने पहले दुकान के पास गया, वो शटर खींचा और इन खवातीन को काफी बदसलूकी की इनके साथ कि आप बदमाश हैं, आप नशा करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। हम अपनी कवरेज करते थे, मीडिया का काम है कि कहीं पे भी कवरेज करता, अगर मीडिया इनकाउंटर होता है तो वहां भी कवरेज कर सकता है। तो शराब खाने में कौन सा तोप का गोला था कि जहां ये कवरेज करने से इनकार किया जाता था। इसी दौरान एसएचओ सुरनकोट ने कहा कि मीडिया वालों को यहां से दफा करो, भगाओ इनको, दफा 144 लगाओ। वो गालियां दी, वो मुझे मारने के लिए आया, लेकिन मैं हंस रहा था। उनको कहा कि आप 144 लगाओ जी, इन मीडिया वालों को भगाओ यहां से। ये कौन सा कानून है, किस कैपेसिटी में उसने इस तरह की बात की, वो कौन होता है? उसको अभी समझ नहीं है, इतनी बात करने की तहजीब नहीं है उसको। मैं एक चीज कहूं कि वहीं पे मैंने एसएसपी साहब से भी बात की, वहीं पे मैंने डीआईजी साहब से बात की, मैंने कहा कि आपके एसएचओ साहब ने इस तरह हमारे साथ बदसलूकी की और आपकी पुलिस जो है वर्दी में शराब लोड कर रही है। क्या पता वही चीज एसएचओ को गवारा नहीं हुई, क्योंकि वो जानता होगा वो क्या करना चाहता था, उसने इनकार किया। अब मैंने एसएसपी साहब से भी ये बात की, उनके नोटिस में मैंने लाई, लेकिन इस वक्त तक कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। लेकिन हम मांग करते हैं कि इस तरह के एसएचओ से डिस्ट्रिक्ट से दूर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। क्या आप इस लोग इससे में शामिल हैं? मैं जिस तरह की उसने बदसलूकी की वहां मीडिया के साथ, पहले तो लेडीज के साथ की उसने, उसके बाद मीडिया के साथ की, उसके बाद ये वहां के मकामी सरपंच है इनके साथ की, वो इनको पता होगा या लेडीज को पता होगा। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि इस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए ताकि हमारे हकूक के पामाली हो जाए। और हम इसके बाद धरने पे भी बैठने जा रहे हैं, हम धरने पे बैठेंगे और मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, क्या यही फोर्थ पिलर है जिसको रोका जा रहा है?
वहाँ कौन सी गोलियां चल रही थी। जहाँ इनको अपना नाम बनाना होता वहाँ कहते मीडिया वाले को आओ फोटो बनाओ, आओ फोटो बनाओ। तो मैं इसी पे खत्म करना चाहता हूँ। इसी सबकी तरफ से जो वकालतनामा किया है वो हम सब था 19 बंधु ने जो साथ में कोऑपरेट किया है, इससे हमने इसका इसमें दायरे में आकर हमने उनको केस फाइल किया उनके लिए। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तमीज सीखनी चाहिए बात करने की। एसएचओ को जो एसएचओ सुरनकोट का एसएचओ है उनको तहजीब होनी चाहिए और बात करने का ढंग होना चाहिए। जहां पुलिस को काम अच्छा करने के लिए बोलते लेकिन नहीं, वो किसी काम तो वो अच्छा करने के लिए नहीं, उनकी लैंग्वेज ही कुछ अजीब है। क्या पूरी वारदात? हमारी मांग सबसे से मुद्दा ये है कि हमारी मांग है ट्रांसफर को तो छोड़ो, सस्पेंड होने चाहिए वो, और ऐसा बंदा नहीं आना चाहिए। तो हमने ये वाहन शाह निकालनी है। तो जब इधर हमारी ये जुलूस चल रहा था तो लेडीज ने वहाँ क्या किया कि वो सामान बाहर निकाल के फेंका। तो मुझे लेट पता चला जब यहाँ पुलिस सारी वहाँ गई थी, आप वीडियो में भी देखें पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, वो भी आप देखते हैं, शराब की बोतलें भी बाहर निकालती हैं। तो 20 मिनट के बाद मुझे जब पता चला, लोगों ने कहा यहाँ पुलिस पहुंची है, एसओजी है, एसटीआरएफ है, जितनी भी फोर्सेस थी वहां पहुंची थी। क्या पुलिस का यही काम रहा कि आप शराब अनलोड और लोड करें? क्या इन्होंने ठेके वाले से पैसे लिए हुए? क्या इनको गवर्नमेंट वो पे नहीं देती है? इनको बॉर्डर पे लगाया जाए जहाँ से वो मिलिटेंट ना आए तो वहाँ ये लगे काम करें, इनको इस काम के लिए नहीं गवर्नमेंट पे देती है। तो जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ आधे घंटे के बाद पहुंचा हूँ, मैं सचो वहाँ खड़ा था, सारी फोर्सेस थी, नायब साहब थे वहाँ। तो मैं जब वहाँ पहुंचा हूँ तकरीबन 10 मिनट में वहाँ खड़ा हूँ, नायब साहब के पास था, लड़कियों ने सामान बाहर निकाला है, सचो ने एक दो बार गाली गलौज किया। तो मैं उस साइड हो गया कि बस रहने दो, इस पे मुंह नहीं लगाता मैं, कोई बात नहीं। तो जब बाद में मीडिया वाले थे, ये तीन बंदे थे अपने, अंजुम हमदानी साहब थे, आकाश साहब थे, तो मेरे सामने सचो ने कहा आप क्या हो, इन्होंने वीडियो बनाना, आप क्या हो, कहो चलो आप क्या करते हो, निकलो बाहर, आप क्यों वीडियो बनाते हो, क्या ये मीडिया किस लिए होती है? वीडियो नहीं बना सकती मीडिया, जब इनको कहीं स्टार लगाने होते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो वो मीडिया वालों को बुलाते हैं, जी आप हमारे पास आए फोटो बनाए मीडिया पे चढ़ाए। किसके लिए नहीं होती है मीडिया? मीडिया हर काम दिखाने के लिए होती है, गरीब आवाम का भी दिखाने के लिए होती है। तो मेरे सामने इन तीन प्रेस वालों को सचिन ने भगाया है, मैं 10 मिनट उधर ही खड़ा रहा हूँ, और 10 मिनट के बाद जब मैं था तो मुझे सचो बोलता है चल तू क्या करता है इधर। मैं सरपंच हूँ पंचायत का, मेरी सरपंच है, मुझे लोगों ने वोट देके एक इलेक्टेड सरपंच हूँ, क्या मेरा वहाँ काम नहीं खड़ा होना? मैंने तो इन लोगों के साथ चलना है, तो मैंने ना सचो के साथ चलना, मैंने इन लोगों की सुनी थी, मुझे लड़कियों ने बताया कि सचो ने बदतमीजी की है। और उसके बाद जब मैं वहां रहा मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई ऑर्डर बताए कि सरपंच अपनी पंचायत में नहीं जा सकता। और उसके बाद जब मुझे उन्होंने धक्के किए, वो वीडियो बनी हुई है मेरे पास, राहुल अग्रवाल है एक एसआई जिसने मुझे कहा कि मेरी बहुत बड़ी लंबी नौकरी है, मैं तुझे देख लूंगा। इसका मतलब है पुलिस वाले वो सचो के कहने पे उसने मुझे कहा ना, और साहब इंस्पेक्टर थे उसने क्यों नहीं कहा? इसका मतलब है कल अगर मुझे कोई नुकसान होता तो उसका जवाबदार सिर्फ एसएचओ है राजवीर, तो उसकी ट्रांसफर। आप ये देख रहे हैं जो इस वक्त हम लोग यहाँ इकट्ठे मुतहद होके खड़े हुए हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है, सरपंच हजरात हैं, मीडिया के लोग हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अफसोस है एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ बदजबानी, बद तहजीबी से पेश आया गया। एक ऑफिसर का ये काम नहीं है कि आप किसी को बदमाश कहें, आप किसी को कहें तू नशा करती है, तू ऐसा करती है। ऐसे ऑफिसर के खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हमारे जो सहाफी हजरात हैं, हमारे सदर साहब जरगर साहब के साथ बदतमीजी हुई, आकाश मलिक वहां थे, हमदानी साहब वहां थे, मिन जुमला बाद में और लोग भी पहुंचे, और वहां ये कहा गया कि आप यहां से दफा हो जाइए। आपको पता है एसएचओ साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें किसने दिया है? सहाफी का मतलब पता है आपको? बॉर्डर पे गोली चल रही होती है हम कवर करते हैं, जंग चल रही होती है हम कवर करते हैं, शराब खाने को अगर कवर किया वो लानत है हमारे समाज के लिए, वो लानत है एक मुलाजम के लिए, बीवी के लिए। हमारी महफिलों में जहां
समझ रहे हो जो हमारे लोग हैं, हमारी लेतरियों में शराब पी जाएगी, हमारी शादियों में शराब पी जाएगी, तकलीफ होती है सचो साहब। और आप कहें कि यहाँ से दफा हो जाओ, और आप कहें कि यहाँ ये नशा करके आई है, आपके पास कोई कंप्लेंट है उनकी कि वो नशा करती है? आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया इससे पहले? कितने नशे वाले आपने अरेस्ट किए हुए हैं? डॉक्टर को बुलाया जाए। वक्त वक्त की बात है, आपने मीडिया के साथ बदतहजीबी बदसलूकी की है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मिन जुमला कम से कम 22 लोगों की तरफ से जो कोर्ट में मुकदमा पेश किया गया है, इसके बाद खासकर सहाफी हजरात, हम जो है इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जब तक ना इनको सस्पेंड किया जाए, मैं ट्रांसफर की बात नहीं करता, ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको बोलने का तरीका नहीं है। जब इनको खबर लगानी होती है तो हमें भूखा ले जाते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। हमारे सदर साहब ने आईजी साहब से बात की, एसएसपी साहब से बात की, फिल वक्त कोई कार्रवाई जो है इस पर नहीं हुई। डीआईजी साहब से, माफ कीजिएगा, डीआईजी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर साफी के साथ बदतमीजी की जा सकती है तो आम पब्लिक का क्या है? कि जबान ही नहीं है, उन लोगों का क्या है, उनके साथ क्या होता होगा? और मेन जो बात है, ये सारी एजेंसियां नोट कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन नोट कर लें, पुलिस वर्दी में शराब के बोतलों की पेटियां उठाकर गाड़ी में रख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भाई साहब, कहीं ना होता है तो पुलिस बिल्कुल बिल्कुल अब चलाती है, लेकिन आज पुलिस जो है वो अनलोड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ड्रग्स की अगर हम बात करेंगे, ड्रग्स पे यहाँ कंट्रोल आप नहीं कर रहे हैं, अब शराब खाने खोले जा रहे हैं, अब इस समाज में क्या देना जा रहे हैं? अब यहाँ से उठा के आप दराबा में ले जा रहे हैं, अब क्या साबित करना चाह रहे हैं? इस वक्त हम धरने पे जा रहे हैं, जब तक ना एसएचओ साहब की ट्रांसफर होती है तब तक हम सस्पेंड होते हैं, तब तक हम नहीं उठेंगे। दूसरी बात, मैं यहां से आज इस मंच से हम लोग बोलते भी हैं, मैं तमाम जितने हमारे सियासी कायद हैं उनको वार्न करना चाहता हूं, अगर ऐसी दुकानें यहां खुली गई, ऐसे ऑफिसर यहां आएंगे जिनको तमीज नहीं है बात करने की, तो आने वाले वक्त में आप भी इलेक्शन में कैसे आओगे, हम ये बिल्कुल जमीनी सतह पे जाके बता देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी सियासत की, ऐसे इंतजामिया की, ऐसे ऑफिसर की। बहुत शुक्रिया।